सभी का स्वागत है ई आज पुचकृष्ण में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और से संबंधित कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं यूजी पीजी बीए बीएससी बीकॉम जिन भी कोर्सेज में होते हैं, तो लगभग सभी कोर्सेज के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। 10 अप्रैल के डेट में लगभग सभी कोर्सेज के रिजल्ट आ चुके हैं और यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक अपने रिजल्ट को नहीं चेक कर पाए हैं, आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रहा है, इसके साथ अगर किसी के सब्जेक्ट में कोई भी बैक है तो इसको लेके क्या आपको काम करना है, किस तरीके से आप अपने बैक को क्लियर करेंगे, सारी बातें बिल्कुल आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात कर ली कि जिनके भी रिजल्ट अभी तक चेक नहीं हो पाए या फिर अगर आप अपने रोल नंबर कैपेज कोड देते हैं तो आपको फीस पेमेंट जैसी समस्या देखने को मिल रहा है या फिर इरर करके आ रहा है, डाटा नॉट फाउंड करके आ रहा है, तो इसको लेके आपको अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि सर्वर पे जो आपके रिजल्ट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोड होने की वजह से दिन में जो वेबसाइट है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। इसके साथ ही आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे भी पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया, पूरा जो होम पेज है वो भी आपको पहले से अभी में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से भी जो थोड़ा सा वेबसाइट है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आप रात में अपने रिजल्ट को चेक करें तो आपके रिजल्ट शो हो जा रहे हैं, या तो फिर अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पे अपने रोल नंबर को शेयर कर सकते हैं, वहाँ से भी आपके रिजल्ट को चेक करके शेयर कर दिया जाएगा। तो खैर अभी जिनके भी रिजल्ट चेक नहीं हुए तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, आप अपने रिजल्ट को बिल्कुल चेक कर पाएंगे। थोड़ा सा अभी दिन में जो सर्वर है वो सही से काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से आप अपने रिजल्ट को नहीं चेक कर पा रहे हैं, बाकी आप अगर अपने रिजल्ट को रात के टाइम पर चेक करें तो आपके रिजल्ट चेक हो जाएंगे, नहीं होगा तो आप टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही बात करें कि अगर किसी के भी कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपका बैक होता है तो भी आपको ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप लोग फोकस रहिए। जो कि अभी आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का भी जो एग्ज़ाम है बिल्कुल आपकी काफ़ी कम टाइम बचे हुए हैं, बिल्कुल नेक्स्ट सेमेस्टर भी आपके बिल्कुल सिर पे हैं, तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अगर आपके सब्जेक्ट में बैक है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा बैक फॉर्म अप्लाई करने के लिए, आप बैक फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, फिर उस एग्ज़ाम को फिर से दोबारा से दे दीजिएगा और आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल जिनके भी किसी भी सब्जेक्ट में बैक हैं तो आप उसको लेकर चिंता मत कीजिए, अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर आपका पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, फिर आपके जो बैक है उसका पेपर बाद में करवा लिया जाएगा, तो अभी आप उसको लेकर चिंता मत कीजिए। तो फिलहाल यहाँ पे दो जो चीज़ें थी वो आप लोग को बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। जिनके भी किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो यूनिवर्सिटी की ओर से फॉर्म आएगा, आप अपने फॉर्म को अप्लाई कीजिए और जो बैक है वो क्लियर हो जाएगा। और अभी जिनके भी रिजल्ट चेक नहीं हो पा रहे हैं तो दिन में थोड़ा सा सर्वर की वजह से ही प्रॉब्लम है, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट की ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अपने रिजल्ट को नहीं चेक कर पा रहे हैं। या तो अपने रोल नंबर को टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए या फिर आप कमेंट कर दीजिए तो आपके जो रिजल्ट हैं वो शेयर करके चेक करके भेज दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ ही अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो अपने सवाल को कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल।